हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ अपने टेरेस में आके। बहुत सारी फ्लावरिंग आ रही है इस समय, तो मैं आज आपको कुछ फूलों के नाम बता रही हूँ जो कि मार्च अप्रैल मई तक भी फ्लावरिंग करते हैं अगर आप हल्का सा शेड में रखते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है ऑस्टियोस्पर्मम है। इसके बहुत सारे शेड आते हैं। इसमें मेरे जो मैंने ये सीड से खुद ही ग्रो किए हैं, तो इसमें तीन शेड तो इसी में है। येलो भी होता है, बहुत सारे शेड्स आते हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, बंच में फ्लावरिंग करता है। तो इसे आप अब भी लगा सकते हैं, फ्लॉक्स को लगा सकते हैं। फ्लॉक्स ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगता है। इसमें दो वैरायटी आती है, एक शॉर्ट वाली भी आती है, बहुत सुंदर लगता है ये। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। ये है कॉर्नफ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर अभी एक ही फ्लावर खिला है, ये मेरे सब खुद के ग्रो किए हुए ही हैं। इसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं और ये भी अप्रैल लास्ट तक और मई तक फ्लावरिंग करता है। ये मैंने अभी ग्रो किया है, ये है क्रिजेंथिमम कारिनेटम। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसकी लीफ थोड़ी सकुलेंट की तरह है और इसमें भी बहुत सारे शेड हैं और बहुत सारे कलरों में है और बंच में फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखती हूँ, ये मुझे तो लगता है ये अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करेगा, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसको ज़रूर ग्रो करिए, जितना सीड डालेंगे ना उतना सब ग्रो हो जाता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये है डेजी, डेजी को आप अपने घर पे लगा सकते हैं। ये भी अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा, अभी लगभग एक डेढ़ महीने फ्लावरिंग करेगा, तो इसको भी लगा सकते हैं। इसमें मेरे पास तो वाइट शेड है, ज़्यादातर वाइट शेड ही मिलता है। ये है डॉग फ्लावर, ये भी काफ़ी लास्ट तक फ्लावरिंग करता है, अप्रैल तक करता है। अगर थोड़ा शेड में रख देंगे तो ये मई तक फ्लावरिंग करता है। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, ये भी पूरा भर भर के फूल देता है। ये है स्वीट विलियम, ये भी फ्लावरिंग करता है, ये भी टॉप फ्लावर से पूरा भर जाता है, बहुत सुंदर लगता है। उसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं, मेरा तो ये फेवरेट फूलों में है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हॉली हॉक है, हॉली हॉक ये मैंने खुद ही ग्रो किया है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, डबल सिंगल पेटल, और काफ़ी ऊंचा पेड़ हो जाता है। तो ये तो अप्रैल मई तक ये फ्लावरिंग करता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तब ये फिर ख़त्म हो जाता है। तो हॉली हॉक आप लाके अभी लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये है जिरेनियम, जिरेनियम भी आप लगा सकते हैं। इसकी लीफ में कच्चे आम की तरह मुझे खुशबू आती है, इससे जिरेनियम ऑयल भी बनता है। इसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं, ये भी अप्रैल लास्ट तक और मई की स्टार्टिंग तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, शेड में रख देंगे तो काफ़ी दिन तक फ्लावरिंग करता है। और ये है पेपर फ्लावर, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सारे शेड में आता है, ये तो मई तक फ्लावरिंग करता है, तो इसको आप लगा सकते हैं, अभी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत सुंदर लगता है। ये भी गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, नॉस्टर्सियम लगा सकते हैं। ये जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब ये ख़त्म होते हैं, अभी तो ये अगर आप शेड में करेंगे तो ये बहुत दिन तक फ्लावरिंग करते हैं। तो आप इन सब फूलों को लगा सकते हैं अपने गार्डन में और फूलों से भर सकते हैं अभी एक डेढ़ महीने के लिए। तो डायंथस भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो डायंथस भी चलता है लेट तक, और वो शेड में रख देंगे तो बचा रहता है, तो डायंथस भी मुझे अच्छा लगता है, अगले साल भी आपका चल जाता है। तो डायंथस को मैंने हैंगिंग वाले में लगा रखा है, ये देखिए, ये है, दो शेड लगे हैं, बाकी मैंने आउटडोर गार्डन में लगा रखे हैं। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग करते हैं। तो कैसी लगी जानकारी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू।